अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर द्वारा जिला स्तरीय स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने शिरकत की। उन्होंने जिला भर में रहे प्रथम व स्कूल स्तर पर प्रथम रहे छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं मुख्य अतिथि ने छात्रों को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्कार के साथ जा सकती है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने समाज में ये बेड़ा उठाया है। उन्होंने छात्रों को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में झगड़ियानी स्कूल का नवजोत प्रथम, संत पब्लिक स्कूल हडेटा की अनुष्का शर्मा द्वितीय और अजय मॉडल स्कूल की सिमरन तृतीय स्थान पर रही। इसके अलावा सभी स्कूलों के प्रथम रहे छात्रों को भी नवाजा गया। कार्यक्रम में 78 स्कूलों के 84 छात्रों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया, तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे निमंत्रण दिया गया था, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया। ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि आगे आने वाले भारत का निर्माण करेंगे, तो इन विद्यार्थियों से बातचीत कर इन्हें दिशा देने का काम एक अध्यापक के रूप में हम कर पाए, तो इस सुअवसर को हम खोना नहीं चाहते, इसलिए इस कार्यक्रम में आए। और जो प्रतिभा सम्मान समारोह में जो विद्यार्थी जिनको सम्मानित किया जाएगा, उन्होंने एक प्रतियोगिता देने के बाद एक मुकाम हासिल किया है, और वो जो मुकाम हासिल करने के बाद उन्हें यहाँ पर प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे और अनेक प्रकार के इनाम यहाँ पर पुरस्कार की व्यवस्था है विद्यार्थी परिषद के संगठन के माध्यम से द्वारा उन्हें दिया है। आज तक गिरने ऐसा तो नहीं, अभी कल ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि ये पता चला है कि सरकारी स्कूल कितने हैं, और विशेषकर हिमाचल प्रदेश का एक नाम है शिक्षा की व्यवस्था में पूरे भारतवर्ष में, और सरकारी स्कूल के जितने विद्यार्थी हैं उनका मैथमेटिक्स का ज्ञान और अंग्रेजी का ज्ञान बहुत बेहतर पाया गया है। कल ये रिपोर्ट आई है और आगे हम ये सब प्रयास करेंगे कि स्टूडेंट्स ही विद्यार्थियों की एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाई जाए, और पाठ्यक्रम के आधार पर भी यदि कोई बेहतर होगा, सुधार होगा, तो वो करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी परिषद ने जम्मू कश्मीर में पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की आत्मा की शांति के लिए मौन भी रखा।